जी अंकल जी बोलो। बेटा ये आपका नीचे गिर गया था। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने मेरा बैग रिटर्न किया। वो जूस का कॉर्नर आपने? हाँ बेटा ये मेरा ही है। मुझे नहीं पिलाओगे? हाँ हाँ बेटा आओ पिलाता हूँ। ठीक है ठीक है। तो अंकल जी आप ये काम कितने सालों से कर रहे हो? मैं 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ये काम ना सीजनल होता है इसलिए हर साल करना पड़ता है। 10 सालों से? जी। अच्छा है ना बेटा जूस? जूस तो बहुत अच्छा बनाया आपने। ये रख लीजिए अंकल जी। बेटा पर मेरे पास तो खुल्ले नहीं है। अंकल जी मुझे खुल्ले चाहिए भी नहीं। ये आपकी आज के टाइम में इतने पैसे कोई भी रिटर्न नहीं करता। बेटा मेरे लिए तो मेहनत का ही काम ठीक है, और ईमानदार कह रहे हो और ईमानदार की ईमानदारी भी खरीद रहे हो, इसलिए बेटा मुझे बस 20 ही रुपए चाहिए। ठीक है ये रह लीजिए। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटा पर मेरे पे तो ये 200 रुपए। सिर्फ 200 रुपए? पापा आपका दिमाग खराब है क्या? मुझे रात को पार्टी में जाना है, मैं ये 200 रुपए लेके जाऊंगी? मेरे दोस्त मुझसे क्या बोलेंगे कि तेरे बाप ने तेरे को सिर्फ 200 रुपए दिए हैं? बेटा क्या है ना, काम धंधा है नहीं, सुबह से 20 ही गिलास पी के तो बस यही पैसे हुए। तो मैं क्या करूँ, जल्दी आया करो, आपका काम धाम में तो दिमाग नहीं है, बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हो। मुझे नहीं पता पापा, मुझे बस पैसे चाहिए, कहीं से भी ला के दो। बेटा पर मेरे पास पैसे और नहीं है। हाँ जो आपने किराए के लिए पैसे रखे थे ना, आप उसमें से मुझे पैसे दे दो। बेटा देखो वो पैसे मैं तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि वो किराए के दे रहे हैं मकान मालिक को। अगर किराया नहीं दिया तो मकान मालिक तो हमें बाहर निकाल देगा, हम कहाँ पे रहेंगे बेटा? तो मैं क्या करूँ इसमें, मुझे पार्टी में जाना है, मतलब जाना है, आप कहीं से भी मैनेज करो, बट मुझे पैसे चाहिए। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है और मैं वो पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। अगर आप मुझे वो पैसे नहीं दोगे ना तो मैं खुद ले लूंगी। बेटा बेटा देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये पकड़ो आप। आई थिंक ये पैसे आपके गिर गए थे। हाँ ये पैसे मेरे ही हैं। थैंक यू। फोन? हाँ ये आईफोन है। क्या मैं आपका फोन देख सकता हूँ? श्योर। महंगा फोन, अच्छे कपड़े, तुम्हें पता है तुम्हें किसकी बदौलत मिले? मतलब तुम्हारे जो अपने किराए के लिए पैसे रखे थे ना, आप उसमें से मुझे पैसे दे दो। बेटा देखो वो पैसे मैं तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि वो किराए के दे रहे हैं मकान मालिक को। अगर किराया नहीं दिया तो मकान मालिक तो हमें बाहर निकाल देगा, हम कहाँ पे रहेंगे बेटा? तो मैं क्या करूँ इसमें, मुझे पार्टी में जाना है, मतलब जाना है, आप कहीं से भी मैनेज करो, बट मुझे पैसे चाहिए। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है और मैं वो पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है अगर आप मुझे वो पैसे नहीं दोगे ना तो मैं खुद ले लूंगी। बेटा देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये पकड़ो आप। आई थिंक ये पैसे आपके गिर गए थे। हाँ ये पैसे मेरे ही हैं। थैंक यू। फोन? हाँ ये आईफोन है। क्या मैं आपका फोन देख सकता हूँ? श्योर। महंगा फोन, अच्छे कपड़े, तुम्हें पता है तुम्हें किसकी बदौलत मिले? मतलब तुम्हारे उस बूढ़े बाप की बदौलत। एक्सक्यूज मी, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैडम मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारा बूढ़ा बाप दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करके गन्ने का जूस 10-20 रुपए में बेच के थोड़े से पैसे इकट्ठा करता है, ताकि तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सके, तुम्हें इस काबिल बना सके, पढ़ा लिखा सके। और आज जब तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर भरे बाजार में उस बूढ़े बाप को जलील कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता है वो दिन रात मेहनत किस लिए करते हैं? ताकि तुम खुश रह सको और तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको, जो वो बूढ़ा बाप नहीं जी पाया। और वो दिल करते हैं ताकि तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों को पूरा कर सके। और तुम क्या कर रहे हो? अरे एक बूढ़े बाप को बच्चों से कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ ये चाहिए होता है ताकि तुम बुढ़ापे में उनका सहारा बन सको। और तुम क्या कर रहे हो? अरे सहारा तो बहुत दूर की बात है यार, तुम तो उसको अपना बाप भी नहीं समझते, तुम्हें तो उनकी याद का बाकी है जब तुम्हें इन पैसों की जरूरत होती है। और तुम्हें पता है वो इंसान इन पैसों को कैसे कमाते हैं, कितनी जलालत और बेइज्जती सहते हैं? चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
अंकल जूस कैसे है? बेटा 20 रुपए का गिलास दिया। 15 रुपए का हर जगह मिलता है अंकल। और बेटा मैं तो 20 रुपए का बेचता हूँ। 15 का देना है कि नहीं देना है? पलटू ठेला है। अरे बेटा नहीं नहीं दे बेटा, दे रहा हूँ बेटा, ले बेटा। बेटा पर ये तो जैसी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी अपने पापा को समझ ही नहीं पाई। वो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और मैं उनसे हमेशा बदतमीजी से बात करती रही। मैं तो अब इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे जाके माफी मांग सकूं। वो तुम्हारे पापा है, वो औरों से ज्यादा तुम्हें अच्छे से समझते हैं। अगर वो तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर सकते हैं तो तुम्हें माफ भी कर सकते हैं। तो तुम जाओ उनसे माफी मांगो। और हाँ, बाप से माफी मांगने में कैसी शर्म। और हाँ, ये पैसे मेरे नहीं है, मैंने तुमसे झूठ बोला था। प्लीज मुझे माफ कर देना, ये पैसे किसी गरीब को दे देना। माफी मुझसे नहीं, माफी अपने पापा से मांगो। पापा आई एम सो सॉरी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। बदतमीजी से बात की, कभी आपको नहीं समझा कि आप कितनी मेहनत करते हो सिर्फ और सिर्फ मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और आप कहते हो ना कि बुरे लोगों की संगत छोड़ दे। मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगी, आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगी। बस हो सके तो आप मुझे माफ कर देना। बेटा पर तू माफी क्यों मांग रही? मैं तो नाराज था ही नहीं, पर बेटा मुझे अच्छा लगा कि तू समझदार हो गई है। बेटा मैं तो चाहता था कि तू पढ़ लिख के ना एक कामयाब इंसान बन जाए बस। पापा मैं आज बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। बेटी।